हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, यस, सुनने में आ रहा है आप लोगों की सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए थोड़ा सा एक दिन लेट हो गया, एक्चुअली एक दिन पहले इसको आ जाना चाहिए था, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखो बच्चों, तुम लोगों के हर किसी घर में एक हार्ट का पेशेंट पक्का होगा, है ना? दादा, दादी, फादर, मॉम, ठीक है, हार्ट में कुछ में थोड़ा प्रॉब्लम लगी रहती है, हाई बीपी, कुछ भी। एक टर्म आज तुम लोग सीखोगे, एंटी एरिदमिक, एरिदम, ठीक है ना? क्या होता है, कैसे क्रिएट होती सारी चीजें, ये सब सीखेंगे। तो हार्ट के ऊपर कुछ ड्रग्स को पढ़ेंगे हम लोग। हार्ट के ऊपर तो बड़ी फेमस क्या कहते हैं बीमारी जो पाई जाती है, एक हार्ट ड्रग केवल बहुत तेज रखने लगता है बिना वजह, यही है एरिथमिया और हाई बीपी। ये इस चैप्टर में हमको कवर करना है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है पूरे ड्रग्स में मात्र एक ड्रग ऐसा है जिसमें स्टार लगा हुआ है। तो आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूं स्टार का मतलब समझ रहे होंगे। क्या होता है स्टार का मतलब? स्टार का मतलब वो ड्रग्स जिनका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर तुमको पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों देखो, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है ना, पहली हेडिंग है माइंड नर्चरिंग पॉइंट्स। तो माइंड नर्चरिंग पॉइंट तुमको क्या सिखाता है? जो लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं उन लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी कि माइंड नर्चरिंग पॉइंट्स में हम लोग पहले समझेंगे आखिरकार हेडिंग एरिथमिया। एरिथमिया से पहले हम समझे रिदम क्या चीज है। एरिथमिया से पहले समझे रिदम क्या है। रिदम मतलब समझते हो ना, कोई चीज अपने रिदम में चलती है, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना, सभी जो हमारी परेड होती है, ओके, आर्मी वाली। तो एक जो रिदम चीज चलती है, ठीक है, उसको कहा जाता है रिदम। और वो रिदम अगर बिगड़ जाए उसको कहा जाता है एरिदम या एरिथमिक, ठीक है ना। तो माइंड नर्चरिंग पॉइंट्स में हम लोग क्या कवर करते हैं? बेसिक आइडिया। जैसे ये आइडिया कवर होता है, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमारे जो ड्रग्स पढ़ते हो खट 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 दिमाग में सेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो, बहुत से बच्चे हार्ट के बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे से, कुछ बच्चों को पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, शायद भूल चुके होंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बना देता हूं छोटा सा इसका पार्ट। हार्ट को समझो जरा गौर से। हार्ट के टोटल कितने चैंबर है? 4। आपको ये मत कहना सर आपने डब्बा बना दिया। 4 चैंबर होते हैं, 4 खाने होते हैं हार्ट के, ठीक है ना। देखो ये हार्ट ऐसे काटा हुआ ना, ये हार्ट ऐसे करके पकड़ो और ऐसे लगेगा, है ना, ऐसे पकड़ लो और ये सामने से काटा हुआ ना, ऐसे निकला हुआ रखा है। तो एक्चुअली हार्ट हमारे दिल में ऐसे फिट होता है। तो जब ये ऐसे करके ऐसे फिट होगा तो देखो ये मेरा राइट साइड में आ गया, ये वाला पार्ट किधर आ गया? राइट साइड में। इसीलिए जो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ये मेरे लेफ्ट साइड में जितना हिस्सा है वो एक्चुअली क्या है, सिर्फ घुमा के हार्ट लगाऊंगा तो वो मेरे किधर आ जाएगा? राइट में आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे किधर पे आ जाएगा? राइट में आ जाएगा। और ये वाला पार्ट मेरा लेफ्ट में। तो सामने से देखने पर जो हमें लेफ्ट दिख रहा है वो एक्चुअली जब हार्ट लगा होता है तो राइट में होता है, और राइट वाला लेफ्ट। क्लियर है? राइट लेफ्ट का चक्कर खत्म, निकाल कर कैसे सामने लग रही है घुमा करके, इसीलिए राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट लग रहा है, ओके। तो 4 चैंबर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। नीचे वालों को क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल कहा जाता है। और ऊपर वालों को क्या कहा जाता है? आट्रियम, ऑरिकल, कई सारे नाम है इसके, ठीक है। तो और देखें क्या बोल रहा है। राइट, अब देखो ऊपर वाले क्या होते हैं? ऑरिकल या मैंने बताया आट्रियम, ऑरिकल या आट्रियम। तो आट्रियम ये भी है और आट्रियम ये भी है, बट ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला चैंबर है, खाने हैं, ठीक है ना। ये 2 खानों की बात होगी, नीचे वाले 2 खाने, इनको क्या जाता है? वेंट्रिकल और वेंट्रिकल। ये वाला लेफ्ट है, तो खाना ये यहां से लेके यहां तक है, ये ऐसे करके आया था ना ये, और ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये, ठीक है ना, ये खाना, ओके, ये खाना मतलब चैम्बर, एक कमरे टाइप बने हुए हैं। अब देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं हम लोग, कहानी क्या है, ठीक है। हार्ट की छोटी सी वर्किंग समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो चीजें हैं उनको सबको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।
होता क्या है, देखो यहां से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हार्ट क्या करता है, जब पिचकेगा ना पता है ना, हार्ट ऐसे पिचकता है फैलता है, पिचकता है फैलता है। जब ये हार्ट पिचकेगा इस तरीके से, तो यहां से जो ब्लड है इस लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाले का पीछे ये पाइप देखो इसके पीछे से जुड़ा हुआ है, ये वाला पाइप से पीछे जुड़ा हुआ है, खून ऐसे निकलेगा और ये सप्लाई हो जाती है चारों तरफ, इसको कहते हैं एरोटा। यहां से जो ब्लड की सप्लाई होती है वो हमें जाती है यहां से होती हुई ये, ठीक है ना, यहां से आया और यहां से यहां चला गया, और जो यहां से आया है हमारे पास यहां से, ठीक है ना, ये वीन्स है ओके, यहां से हार्ट पीछे से होता हुआ, इसके पीछे से होता हुआ यहां निकल जाता है, ठीक है। अब हमको ये बात समझ में आती है, आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर चला जाता है। अब यहां पर जो मेन खेल हमें समझना है, छोटी प्रोसेस पूरी बता दूं क्या, ठीक है, समझो जरा बात को। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, इसके अंदर ब्लड कहां से आ रहा है, पल्मोनरी वीन यानी कि लंग से, यहां पे खून कहां से आता है, लंग से आता है ऑक्सीजन लेकर के, वो यहां डाल देता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर हमारी बॉडी में चला जाता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के बाद, ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जो खून होता है वो घूम करके कहां आता है, यहां पर, ठीक है ना, राइट आर्ट्रियम में, इनके थ्रू एक है वेने कैवा, ये है वेने कैवा, ठीक है, एक ये है वेने कैवा, एक होती है सुपीरियर वेने कैवा, एक क्या होती है सुपीरियर वेने कैवा और एक क्या होती है इंफीरियर वेने कैवा। इंफीरियर मतलब नीचे, हार्ट के नीचे से जो खून वापस हार्ट में आ रहा है वो इस वाली नली से अंदर जाता है, और हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से जो भी खून लेकर के हार्ट में आ रहा है उसे हम सुपीरियर वेने कैवा बोल देते हैं, ठीक है। खून यहां आ गया, यहां से फिर कहां गया, वेंट्रिकल में गया, और यहां से कहां पंप हुआ, पल्मोनरी यानी कि लंग्स की तरफ, क्लियर है, बात समझ में आई, कहां चला गया लंग। अच्छा ये एरो केवल दिखा रखा है कि ये चीज क्या है, ये एरो डायरेक्शन नहीं है, यहां से कहां चला गया लंग से, लंग से होकर के फिर खून वापस से इसमें आता है और ये सप्लाई चलती रहती है। छोटा सा डायग्राम बना दूं मैं, तो वेंट्रिकल से खून चला और चल करके कहां आ गया, इस वाले में, ठीक है ना, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या मौजूद थे, सेल्स मौजूद थे, ठीक है, और इन सेल्स से क्या कर लिया इसने, CO2 सेल ने यहां डाल दी और इसकी O2 इन सेल ने ले ली और वो सप्लाई भी यहां चलेगी। यहां से खून कहां चला जाता है, लंग्स के पास, लंग्स के पास क्या होते हैं एल्वियोलाई, यहां से O2 इसके पास आ जाती है और ये CO2 यहां डाल देता है और CO2 हम लोग फाइनली मुंह से बाहर निकाल देते हैं और ये इस तरीके से आकर के हमारा यहां पर आ जाती है, एक मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा, ठीक है। ये प्रोसेस करने के लिए हार्ट को बार बार पंप करना है, खून को बाहर भेजना है, ठीक है, फिर खून भरेगा फिर बाहर भेजना, पंपिंग करना है इसको। पंप करने के लिए मैं बता दूं, हार्ट हार्ट की जो पंपिंग साइकिल होती है यानी कि लगभग 0.8 सेकंड की, 0.8 सेकंड में हार्ट एक बार घर करता है लब डब करके, है ना, जो साउंड आता है उसके बारे में बताऊंगा इसमें। और लगभग एक जब 0.8 सेकंड का इसकी एक साइकिल है तो इसीलिए लगभग इसकी साइकिल कितनी आती है, 72 बार ये हार्ट हमारा धड़कता है एक मिनट के अंदर। अब देखो बात क्या है, बात समझना जरा, जब ये खून, अब देखो थोड़ा साइकिल समझो, साइकिल समझोगे तो रिदम समझ में आएगा, इसका रिदम का क्या मतलब है, कहानी समझ में आ गई, खून कैसे 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 फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बात को समझना, खून जब यहां पर आया, ठीक है, और यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, अभी ये मान के चलो स्टार्टिंग में सब रिलैक्स हो रखे हैं, सबके सब हार्ट ऐसे फैला पड़ा है, दोनों चैंबर हमारे पास, जो ये वाला चैंबर है ये भी ऐसे फैला पड़ा है, ये वाला चैंबर भी ऐसे फैले पड़ा है, तो खून जब यहां से आया बॉडी से लेकर के यहां पर, तो ऑटोमेटिक फ्लो होकर के यहां जा रहा है, और लंग से जो यहां पर आया है वो ऑटोमेटिक फ्लो होकर के इस वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। अब बारी आती है कि इसके अंदर जो खून भरा हुआ है, हार्ट चाहता है कि ऊपर वाले चैंबर में जो खून भरा हुआ है वो पूरा का पूरा वेंट्रिकल में चला जाए, पूरा का पूरा वेंट्रिकल में चला जाए। तो ये जो आर्ट्रिया है ये क्या करेगी, बैलून को इमेजिन करो, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ना स्टार्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो आर्ट्रिया है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दबा करके जितना भी खून है उस सारे खून को इस वेंट्रिकल में सप्लाई कर देगी, बात समझना, अभी यहीं पे सारी कहानी आएगी। जैसे सारा खून यहां पर आ जाएगा, ये वेंट्रिकल, ये आर्ट्रिया जो है ऊपर, ये फिर जब बाई प्रेस कर दिया, अब ये क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है,
अब ये क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। अब जब ये रिलैक्स हो रही है तो जाहिर सी बात है जब ये रिलैक्स होना स्टार्ट करती है उसी टाइम पे ये वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन वेंट्रिकल्स को कहां सप्लाई करनी है, एरोटा से बॉडी में जाएगा, है ना। इस वेंट्रिकल को कहां खून भेजना है, बॉडी में, और इस वेंट्रिकल को कहां खून भेजना है, लंग्स के पास। तो ये जब सिकुड़ना स्टार्ट करता है तो देखो होता क्या, दो बातें होती है। ये फैल रहा है ऊपर वाला, ध्यान से सुनना, ऊपर वाला फैल रहा है, नीचे वाला सिकुड़ रहा है। उससे होता क्या, यहाँ पे जो रास्ता था, ये जो रास्ता था जिस रास्ते से खून नीचे आया था, ये रास्ते अगर खुले रहेंगे तो ये जब सिकुड़ेगा तो खून वापस आर्टेरिया में जा सकता है। तो होता क्या है, जैसे ही ये सिकुड़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, नहीं सॉरी, ये यहां पे वाल्व के बारे में जिक्र नहीं है, यहां पर एक वाल्व होता है, वाल्व यहां पर एक वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व, वाल्व मतलब एक तरह का कहलोगे ढक्कन होता है, वो एकदम से फ्लैप होता है, बंद हो जाता है, वो इस तरह मसल्स होती है एक्चुअली, ठीक है ना, ये मसल्स होती है। और ये मसल्स ना इसके थ्रू, ये कॉर्डिया टेंडन लिखे हुए हैं, कॉर्डिया टेंडन है, धागे से स्ट्रेच किया हुआ है, ऐसे खुले हुए हैं, जैसे ही स्विंग करेगा ये ऐसे करके बंद हो जाएगा, ये भी बंद होगा ट्राइकस्पिड। और इधर जो होता है, इधर होता है बाइकस्पिड वाल्व, इधर पे क्या है बाइकस्पिड वाल्व, इधर पे क्या है ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ही ये नीचे स्विंग करेगा ये दोनों वाल्व बंद होंगे। पहला साउंड आता है लव, जैसे ये ढक्कन बंद होते हैं, ये मसल्स बंद होती हैं, फ्लैप बंद होती हैं, तो साउंड क्या आता है, लव। ओके, अब क्या ये श्रिंक कर रहा है, ये श्रिंक करता चला जा रहा है, ये कहां ब्लड भेजा, इसमें आर्टरी के पास, ओके, इसने कहां ब्लड भेजा, एरोटा में। अब उसके बाद ब्लड भेजने के बाद जब इसने पूरा पिचका दिया, वेंट्रिकल पूरा पिचका हुआ, अब ये रिलैक्स होना चाहता है वेंट्रिकल, है ना, अगली बार के ब्लड भरने के लिए। तो जैसे ही ये रिलैक्स होने की कोशिश करता है, अब ये जो ब्लड इसमें पंप हुआ है, ये ब्लड क्या कर सकता है, बैक मार सकता है, वापस से वेंट्रिकल में आ जाएगा तो बॉडी में ब्लड जाएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर देख लो, ये दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है ना, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं एक स्ट्रक्चर यहां होता है। इसी तरह इस एरोटा में, इसके अंदर यहां पर इस साइड में इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेमी लूनर वॉल्व। जैसे ही ये वेंट्रिकल फैलना स्टार्ट करेंगे, ये वॉल्व खटाक से बंद हो जाएगी, बात समझ में आई। तो साउंड आता है डब, है ना, तुम लोग बचपन से क्या सुनते आए हो, दिल करता है धक धक, ठीक है, ये धक धक है यही लब डब है, ये दिल हमारा धक धक कर रहा है, यही क्या कर रहा है, लब डब कर रहा है। ये हो गई, अब क्या है, अब ये भी रिलैक्स होगा, ये भी रिलैक्स होगा, खून एक बार फिर भरेगा, और ये साइकिल का समय क्या है, 0.8 सेकंड का, ठीक है, ये रिदम है। अगर हर बार 0.8 सेकंड में, हर बार 0.8 सेकंड में ये कहानी चलती चली जा रही है, तो मैं कहूंगा मेरा हार्ट नॉर्मल है, एक रिदम में फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज द रिदम ऑफ हार्ट, रिदम ऑफ हार्ट इज नथिंग, रिदम ऑफ हार्ट कुछ और नहीं है, रिदम ऑफ हार्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर समय में, यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर खून यहां से यहां आएगा और यहां से यहां चला जाएगा, फिर 0.8 सेकंड में खून यहां से यहां आएगा, यहां से यहां चला जाएगा। दो घटनाएं घटी, बात समझना, दो घटनाएं घटी, एक बारी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुई, इंपॉर्टेंट है, कौन कॉन्ट्रैक्ट हुई, आर्टरिया, आर्ट्रियम या ऑरिकल, एक बारी कौन कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं इसको समझते हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं इसको समझते हैं। तो ये सारा खून का फ्लो समझ में आ गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं ये बातें समझ लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक डार्क कलर लेते हैं, ठीक है, ओके, एक डार्क कलर लेते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज तुमको दिखाई दे रही होगी, साइनो आर्ट्रियल नोड। हार्ट की एक खासियत है बच्चों, हार्ट अपनी धड़कन खुद पैदा करता है, ब्रेन पैदा नहीं करेगा। यहां पर एक मसल्स का बना हुआ, एक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ एक पैड टाइप का रहता है, इस तरह एक तरह स्पंज टाइप का कह लो, टिश्यू का बना हुआ रहता है, इसे हम साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड, या इसी को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर।
ये क्या करेगा, ये इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, उनको सारी कहानी बताऊंगा। इसके अंदर जो धड़कन जनरेट होती है वो बिजली मिली वोल्ट में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, कैसे होती है सब सीख बताऊंगा इसमें। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सारा यहाँ पे बार बार जिक्र आएगा। देखो ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ड्रग्स में आगे जब यूजेस की बात आएगी ना तो बोलेगा, ये सारी बातों का जिक्र होगा बीच बीच में, तो कुछ भी फिर समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको अच्छे से समझ लो। ऐसे नोड जब इंपल्स को धड़कन को जनरेट करता है, यानी कि एक सिग्नल क्रिएट करता है, और वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। वो सिग्नल यहाँ क्रिएट होता है और यहाँ से जाता है, पीछे से जाता है, मतलब एक वो रहता है, वो पहले जाएगा इधर से इधर इस वाली आर्टरिया में। तो यहां से यहां पहुंचा इस आर्टरिया, ये आर्टरिया अब सिग्नल पहुंच गया है, दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये सिग्नल पहुंचने की प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, समझेंगे। तो सिग्नल यहां से यहां पहुंचा, ये दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद ये सिग्नल यहां से यहां पहुंचता है, ये क्या है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड कहा जाता है इसे, ठीक है। जब ये सिग्नल यहां से यहां पहुंचता है, देखो उतनी देर में कितने विद इन सेकंड्स काम हो रहा है, ये सिग्नल यहां पैदा हुआ, दोनों आर्टरियों में गया, दोनों आर्टरियां कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फिर सिग्नल आगे बढ़ रहा है इसी बीच में, और कहां पहुंचा, एवी नोड। एवी नोड से ये सिग्नल, ये देख रहे हो येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप से ये लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस, क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। ये एक तरह से कह लो कि नर्व टाइप से रहती है, और हार्ट को पूरा अगर मैं बंद कर दूं, ये काटा हुआ है ना ऐसे बंद कर दूं, तो उसके मसल्स के अंदर इसी बंडल ऑफ हिस से ऐसे करके ना ऐसे ऐसे वो निकले रहती है, ठीक है, फाइबर्स टाइप के पार्ट निकले रहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पुरकिंजे फाइबर, यानी कि एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से ये पूरा इस फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स की मसल्स में सिग्नल पहुंच जाता है कि भैया पिचको टाइम आ गया। तो ये जैसे ही सिग्नल पूरे पुरकिंजे फाइबर फैलता है, वेंट्रिकल पूरी ताकत से पिचकती है और ब्लड को अंदर आगे पंप कर देगी, जो यहां जाएगी और यहां जाएगी। तो अब कुछ टर्म समझ लो, ये कहानी समझ में आई, एवी नोड, ठीक है, वेंट्रिकल का सुकुड़ना या श्रिंक करना, ठीक है। तो यहां पर तो कुछ बातें हैं जो तुमको समझनी है। जो एक टाइम ऐसा आता है, मैंने कहा ना कि ये जो आर्टरिया जो श्रिंक करती है, और क्या कहते हैं, ये कहते हैं सॉरी वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल और आर्ट्रियम, ये दोनों क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगी, और यही दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर क्या करेंगी, रिलैक्स भी करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट पहले रिलैक्स है, खून भर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही, दोनों फिर रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, ठीक है ना। यही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो रिदम है कि कितने टाइम में किसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितने टाइम में किसको रिलैक्स होना है, ये जब एक फ्लो में चलता रहता है तब तक हमारा हार्ट का क्या बना रहता है, रिदम बना रहेगा। और जैसे ही ये फ्लो बिगड़ेगा, हम हो जाएंगे एरिथमिया, या तो स्लो हो जाएगा, स्लो होगा तो खून की सप्लाई नहीं होगी, चक्कर का खा के आदमी गिर पड़ेगा। और अगर ये फास्ट हो गया, तो सुना होगा तुम लोगों ने, कई बार लोग कहते हैं घबराहट हो रही है, दिल धड़क रहा है बहुत तेजी से, घबराहट सी हो रही है, धक धक बहुत तेज दिल धड़कने लगता है, तो वो क्या होती है, हमारी रफ्तार बढ़ गई है। तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, रिदम हमारा टूट गया है, और उसको हमने क्या बोल दिया, एरिथमिया। अब रिदम को वापस लाने के लिए हम लोग कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब कुछ बातें, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, सिग्नल्स का जाना, अभी ये बातें थोड़ी और होंगी, क्योंकि आगे जब इसमें हम पढ़ेंगे तो उसमें जो यूजेस हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनके अंदर ये सारे टर्म्स आने वाले हैं। तो पहले तो ये बेसिक, ये एग्जाम में नहीं आ रहा, लिखना है, ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो चीजें आगे समझ में नहीं आएंगी, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्या हमारे पास, यहां तक बातें क्लियर होगी, हार्ट का फंक्शन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, कहां से क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हम आगे बातें करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये हुआ कैसे, ये घटनाएं घटी कैसे, ठीक है ना। बात करते हैं कि आखिरकार जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सिग्नल का जाना, ठीक है, ऑफिस सिग्नल का पूरे में फैलना होता कैसे, क्यों होता है, ये सारी बातें यहां से स्टार्ट होती है। जो हार्ट के सेल्स है, हार्ट के क्या है, सेल्स, और खासकर सेल कहां का होगा, सबसे पहले
ऐसे नोड का, कहां का होगा? ऐसे नोड का। सेल की मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ये सेल का बाहरी हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल का बाहरी हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर का हिस्सा, इसको हम साइटोसोल या साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, समझने के लिए, इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन के बने हुए, किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए कुछ चैनल्स होते हैं, बात समझना, प्रोटीन के बने हुए कुछ चैनल्स होते हैं, ये चैनल क्या करते हैं, पोटेशियम को अंदर पंप करते रहते हैं और सोडियम को बाहर पंप करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ठीक है, तीन सोडियम बाहर आते हैं तो दो पोटेशियम अंदर जाते हैं। ओवरऑल और भी कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से होता क्या है, और भी आयंस वगैरह का इसमें गठजोड़ रहता है। देखो तीन प्लस ऊपर है, दो पोटेशियम नीचे है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये वाला हिस्सा इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव रहेगा और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा इसके कंपैरिजन में, नेगेटिव। तो होता क्या है, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट रहता है वो लगभग -60 मिलीवोल्ट का क्रिएट रहता है। यानी कि मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम यहाँ पर एक वोल्टमीटर ले आओ, वोल्टमीटर पढ़ा ना फिजिक्स में क्लास 12 में, जो बिजली को नापता है, उसका एक कनेक्शन ऐसे सेल के यहाँ लगा दो और एक को अर्थ कर दो, तो तुम पाओगे कि ये सिग्नल दे देगा कितना, -60 मिलीवोल्ट का नॉर्मल कंडीशन में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बात समझना, ये चैनल्स हैं, ये लगातार सोडियम बाहर भेज रहे हैं और पोटेशियम को अंदर डाल रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एक साइड नेगेटिव और एक साइड इसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो एक साइड पूरी पॉजिटिव रहती है और एक साइड पूरी नेगेटिव हो जाती है। ऐसी सिचुएशन जब एक तरफ, अब देखो यहां पर गौर से समझना बात को, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, मैं तो मैं क्या कहूंगा, एक तरफ पॉजिटिव पोल है एक तरफ नेगेटिव पोल है, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, मेरे पास ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये कैसी है, पोलराइज सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है, पोलराइज, यानी कि मेरी जो मेम्ब्रेन है वो इस समय क्या हो रखी है, पोलराइज, नॉर्मल है, कोई हरकत नहीं करेगी, बात समझना, ठीक है ना, इस समय यानी कि इसमें पोलराइज हो गई है, कोई हरकत नहीं करेगी, तो यहां से हमें क्या पकड़ना है, आयनिक चैनल्स, हार्ट के सेल मेम्ब्रेन में आयनिक चैनल पाए जाते हैं, ये चैनल सोडियम पोटेशियम पंप, और एक चैनल और होता है जो यहां मिस हो गया, मैं आपसे बताता हूं, एक चैनल और पाया जाता है यहां पर, जो इसको बना लेते हैं नॉर्मल स्टाइल से बना लेते हैं, ये क्या करता है, अलाउ करता है किसको, कैल्शियम को, कब अलाउ करेगा देखेंगे अभी, एक चैनल और होता है जो कैल्शियम चैनल होता है, क्या होता है, कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, तो इन चैनल्स का बड़ा रोल रहता है, यही चैनल्स जो होते हैं सोडियम पोटेशियम को अंदर बाहर करते हैं और हर्ट लगातार हमारे पास क्या सिग्नल्स को क्रिएट करता रहता है, कैसे करेगा आओ उसको भी देखेंगे अभी। तो यहां तक बात क्लियर होगी, चैनल समझ में आ गए क्या है, आयनिक चैनल्स इन सेल मेम्ब्रेन और वो क्या काम कर रहे हैं। अब देखो ये आयनिक चैनल्स थे, अब एक कंडीशन होती है पोलराइज, जो मैं बता रहा था पोलराइज कंडीशन, यानी कि पोलराइज कंडीशन, ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन का बाहरी हिस्सा है और ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, तो बाहर की तरफ ये कैसी हो रखी है, पॉजिटिव, और अंदर की तरफ कैसी हो रखी है, नेगेटिव, और सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम अंदर फेंक रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इस समय ये कंडीशन कैसी है, पोलराइज, जिस समय पोलराइज कंडीशन होती है कोई भी सिग्नल क्रिएट नहीं होता है, जैसे ही मेरी ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, क्या होगी, डीपोलराइज, क्या होता है डीपोलराइज समझेंगे, पोलराइज सेल मेम्ब्रेन, नो सिग्नल, इस समय ये कोई भी सिग्नल हमको नहीं भेजेगा, यानी कि हार्ट को कुछ नहीं बोल रहा है, हार्ट हमारा रिलैक्स है, ठीक है, ये कितनी देर के लिए होता है, सेकंड्स ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, मैंने कहा था ना, समझाया था, आर्टरी और वेंट्रिकल एक टाइम पे आकर रिलैक्स हो गई, जैसी वो रिलैक्स होती है ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मेरी मेम्ब्रेन क्या हो गई है, पोलराइज हो गई है, क्लियर है, आगे आता है। अब होता क्या है, अब भाई उसे तो काम करना है ना, ब्लड को पंप करना है, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज का मतलब क्या है, यहां पे छोटा सा मैंने बता रखा है, देखो हुआ क्या है, यहां का हिस्सा देखो दिख रहा होगा, यहां से लेके यहां तक
ठीक है, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहाँ पे भी ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इतना हिस्सा जो है दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या हो गया है, सोडियम चैनल खुल गए हैं, ठीक है, जो सोडियम के गेटेड चैनल थे वो तो एक चैनल दिखाया था, और भी चैनल्स होते हैं, सोडियम बहुत सारा अंदर आ गया है, ठीक है, बाहर से, जिसकी वजह से हुआ क्या है, बाहर हो गया है नेगेटिव और अंदर क्या हो गया है पॉजिटिव, दिखाई दे रहा होगा, बाहर क्या हो गया है नेगेटिव और अंदर क्या हो गया है पॉजिटिव, ये सिचुएशन बन गई है, कैसी कैसी हो गई, डीपोलराइज हो गया, पोलराइजेशन खत्म हो गया, डीपोलराइज पोलराइजेशन खत्म हो गया, तो बोल रहा है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये ओपन हो गए हैं और ये क्या कर गए हैं, यहां पर अंदर तरफ पॉजिटिव और बाहर तरफ नेगेटिव, अब जैसे ही ये डीपोलराइज होता है उसी समय पर, ठीक उसी समय पर जैसे सोडियम का अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है, एक घटना और घटती है वो आगे फिर बताऊंगा, यहां पर जितने भी कैल्शियम के वो होते हैं, कैल्शियम के चैनल्स होते हैं वो भी खुल जाते हैं और ढेर सारा कैल्शियम अंदर आना वो भी स्टार्ट हो जाता है, प्रॉन्स पड़ेंगे अभी, तो अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि अंदर का पोटेंशियल जो कि अभी क्या था -40 था वो बढ़ करके काफी ऊपर चला जाता है, और बस यहीं से क्या जनरेट हो जाता है, एक सिग्नल क्रिएट हो गया है, बात समझना, नेगेटिव पॉजिटिव टर्म बात कर रहा था इसलिए मैं कह रहा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये सिग्नल क्रिएट हुआ, अब यही सिग्नल पहले आर्टेरियम के पास जाता है, आर्टेरियम को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करता है, यही सिग्नल फिर ऐसे नोड से कहां पहुंचता है, एबी नोड के पास, और वहां से फिर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करता है, देखते हैं थोड़ा सा बैक चलते हैं, ओके, तो यहां पे देखो जरा क्या है, यहां ये सिग्नल क्रिएट हुआ, यहां से ये आगे बढ़ा, दोनों को कांटेक्ट कराया, यहां से फिर यहां आया, ये सिग्नल पूरे में गया, फिर इसने पूरा वेंट्रिकल को कांटेक्ट होने के लिए मजबूर कर दिया, बात समझ में आई क्या खेल चल रहा है यहां पर, ठीक है, तो ये सारी कहानी थी यहां पर, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, क्या हो गया है डीपोलराइजेशन ऑफ सेल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, अब हमारा हार्ट एक्शन करने के लिए तैयार है, एक्शन कब बोला जाएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लियर है, ओके, एक्शन पोटेंशियल की बात कर ले, जैसे मैंने बताया था अभी नॉर्मल कंडीशन में, ये पूरा ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा, उसका एक चीज का पार्ट उठा लिया गया है, ठीक है, नॉर्मल सेकंड जब हार्ट की साइकिल जो एक होती है कब कवर हो जाती है 0.8 सेकंड की होती है, फिर 0.16, तो हम ये बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से अगर मैं ले लूं ये 0.8 ये कितना होगा 0.4, ठीक है ना, यहां पे अभी क्या है माइनस का 60 मिलीवोल्ट सिग्नल है, ठीक है, सोडियम स्लोली एंटर्स थ्रू लीकी सोडियम चैनल, सोडियम ने अंदर आना स्टार्ट कर दिया, अभी ऊपर वाला डायग्राम दिखाया था मैंने, सोडियम क्या हो गया अंदर आना स्टार्ट हो गया, सोडियम जैसे अंदर आना स्टार्ट होते हैं तो सेल का पोटेंशियल बढ़ करके कहां पहुंच गया -40, सोडियम के पीछे पीछे मैंने समझाया था अभी कैल्शियम चैनल भी खुल जाते हैं और कैल्शियम बहुत सारा इसके अंदर आना स्टार्ट कर देता है, अब जैसे ही कैल्शियम चैनल आता है ये वाला सिग्नल जो होता है वोल्टेज होता है एकदम से हाइक मारता है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम 2+ एंटर द सेल, सेल के अंदर एंटर करेगा एकदम से बढ़ गया ये, बात समझ में आई, तो ये मेरा हो गया क्या एक्शन पोटेंशियल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आर्टेरियल को और वेंट्रिकल को सिग्नल भेज दिया ऐसे नोड में, अब क्या हो गया वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन, K+ लेवल लीव सेल एंड कैल्शियम 2+ चैनल क्लोज, K+ क्या करेगा सेल को लीव करेगा और कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए तो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल क्लोज हो जाएंगे यहां पर और ये नया सिग्नल वापस से कहां जाएगा जीरो पे आ जाता है, ठीक है, वापस से फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके अंदर और बहुत सारे चैनल होते हैं जो डिस्टरबेंस यहां क्रिएट हुई है ना वो तुरंत वापस से नॉर्मल होती है, ठीक है, वो तुरंत वापस से नॉर्मल हो जाएगी और ये यहां पे कर देता हूं 0.1.2 यानी कि 8 सेकंड हो गया वापस से नॉर्मल होगी, फिर ये प्रोसेस चलेगी, फिर सोडियम अंदर आएगा, फिर सोडियम बाहर भी चला जाता है, फिर अंदर आता है, प्रोसेस चलती रहती है, तो ये तुम लोगों ने ग्राफ देखा होगा इस तरीके से देखते ना हार्ट का चलता रहता है पीक आता हार्ट का जो टीवी वगैरह में देखते हो तुम लोग इस तरीके से तो ये पीक देख रहे हो ये और ये तो इसमें ये सब क्या है एक होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है कि वेंट्रिकल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ठीक है तो ग्राफ कुछ और भी होता है ग्राफ में एक्शन पोटेंशियल जो सिग्नल होते हैं वो लगा करके हार्ट से उसको क्या करते हैं चेक करते हैं
तो ये मेरा क्या था एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल से सीधा तुमको लोग क्या समझना है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट मेरा पिचकेगा ताकि ब्लड मेरा बाहर जाए, आर्टरिया भी पिचकती है और वेंट्रिकल भी पिचकते हैं। तो देखो ये सारी कहानी थी। अब अगर ये सारी कहानी तुमको पिचकने की कॉन्ट्रैक्ट होने की समझ में आ गई है, तो अब जो मैं इसमें टर्म्स इस्तेमाल करूंगा वो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है, वो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं हम एरिदमिया। एरिदमिया क्या है, ठीक है, रिदम समझ में आ गया था पहले, रिदम क्या था, हार्ट जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था। एरिदमिया क्या है, द टर्म एरिदमिया रेफर्स टू एनी चेंज। टर्म जो एरिदमिया है वो रेफर करता है, वो बताता है कोई भी चेंज, एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंस, जो नॉर्मल सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, कोई भी जो नॉर्मल सीक्वेंस है किसका, इंपल्स। इंपल्स मतलब धड़कन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई है, अभी देखा था हमने सोडियम और पोटेशियम के अप एंड डाउन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए थे, उसमें अगर कोई चेंज आ जाए, ठीक है ना, द टर्म एरिदमिया रेफर टू एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कोई चेंज आ जाए, वो कम ज्यादा होने लगे, 0.8 की जगह 0.10 ले ले, जल्दी हो जाए, 0.8 की जगह वो साइकिल मेरी 0.6 या 0.5 में कवर हो रही है, तो हार्ट मेरा बहुत तेज से धड़केगा, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिकल इंपल्स मे हैपन टू फास्ट, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो सकता है जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, मे हैपन, ऐसा हो सकता है कि बहुत तेज हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, और एरेटिकली, एरेटिकली वर्ड कहां से आया है, एरर से, कहां से आया है वर्ड, एरर से वर्ड बना एरेटिकली, या कम ज्यादा हो रहा है, कभी रैंडम नहीं है, कभी 7 कभी 9 कभी 5 कभी 12 मतलब रैंडम चल रहा है, ठीक है ना। कॉजिंग द हार्ट बीट, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या हो रही है, कॉज मतलब जो कारण बनेगा हार्ट बीट का, टू फास्ट, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, या टू स्लोली बहुत धीमी हो जाएगी और गड़बड़ चलेगी, कम ज्यादा होगी, ठीक है। When the heart doesn't beat properly, जब heart does not beat, धड़कता नहीं है properly, it can't pump, वो pump नहीं कर सकता है blood को effectively, effectively का मतलब हमारी body में एक एक cell को जितना खून चाहिए, वो तभी पहुंचता है जब heart जो है proper तरीके से धड़के और खून हर बार उतनी मात्रा में बाहर निकले, ज्यादा निकलेगा तो दिक्कत है, कम निकलेगा तो दिक्कत है, ठीक है। When the heart does not pump blood effectively, the lungs, brain and other organs can't work properly. Obviously बात है, खून proper पहुंच नहीं रहा है, तो मना तो हमारा brain काम करेगा proper से, क्यों नहीं काम करेगा, ultimately हर चीज को चाहिए क्या, oxygen चाहिए, blood क्या लेके जा रहा है, oxygen लेके जा रहा है, अब खून पहुंच नहीं रहा तो oxygen भी नहीं पहुंचेगी, तो हमारे lungs, brain और कुछ और organ है जो काम करना बंद कर देंगे, दिक्कत में आ जाएंगे, may shut down or be damaged, ऐसा हो सकता है काम करना बिल्कुल बंद कर दे, या काम करना बंद ना करे, काफी हद तक उनको दिक्कत हो जाएगी, डैमेज हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्या था, एरिदमिया की एक प्रॉपर डेफिनेशन से बन जाती है, इसको सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग अपनी भाषा में तोड़ सकते हो और इजी कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो देखो, अब पूरी प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में होगी, आर्टरियां पिचकती हैं, खुलती हैं, फिर वेंट्रिकल पिचकते हैं और फिर दोनों एक साथ खुल जाते हैं, पूरी प्रोसेस दिमाग में, ठीक है। अब देखो आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, अब देखो ये टर्म्स तो बेटा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा कोई तोड़ नहीं है, क्यों ये शब्द है हमारे उसमें फार्मेसी में, इंग्लिश में तो है, मतलब क्या है, अपर हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट, जो अपर हार्ट चैम्बर, यानी कि जब मैं बोलूंगा आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन तो समझ जाना हार्ट की जो ऊपर की आर्ट्रिया, वेंट्रिकल तो ठीक, आर्ट्रियो में कोई गड़बड़ चल रही है, वो कुछ कम ज्यादा कर रही है ना, पता चला आर्ट्रिया को जब रिलैक्स करना चाहिए तो वो पिचक रही है, पिचकना चाहिए तो वो रिलैक्स कर रही है, रिदम बिगड़ रहा है। ब्रैडीकार्डिया एक टर्म आएगा, इसका मतलब होता है जब हार्ट बीट स्लो हो जाती है तो उसको बोला जाता है ब्रैडीकार्डिया, इस तरह कहा जाता है टैकाईकार्डिया, जब हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी तो क्या कहा जाता है, टैकाईकार्डिया। देन कंडक्शन डिसऑर्डर, जो हमने बताया था अभी सिग्नल क्रिएट हुआ है आर्ट्रिया से एक आर्ट्रिया में फिर वेंट्रिकल में गया था, अगर ये कंडक्शन प्रॉपर नहीं है तो हार्ट डज नॉट बीट नॉर्मली, तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट जो है नॉर्मली बीट नहीं करेगा। प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमैच्योर मतलब अभी पूरा इसको पिचकना था आर्ट्रियम को, वेंट्रिकल में खून पूरा जाना था, वो उससे पहले पिचक गया, ये पिचक गया, ये पिचक गया, तो दिक्कत हो गया, वो क्या हो जाएगा, खून प्रॉपर आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो प्रीमैच्योर, पूरा प्रोसेस होने पे उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसे हम कहते हैं अर्ली हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या आ गई, जल्दी आ गई।
एक 0.8 सेकंड के अंदर आनी चाहिए, वो उससे पहले आ रही है। फिर क्या मेरे पास वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, फाइब्रिलेशन का मतलब ठीक है ना, वो आर्ट्रियल था, ये वेंट्रिकुलर है, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के जो लोअर चैम्बर है उनका डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि वेंट्रिकल्स का। अदर रिदम डिसऑर्डर, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि हम बात करें एक डिजीज होती है एडम्स स्टोक्स डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड स्टोक्स एडम डिजीज, रेफर टू अ हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, दैट कैन स्लो द हार्ट रेट, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है कंसिडरेबली, काफी ज्यादा, कॉजिंग फेंटिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, फेंटिंग, चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, फेंटिंग मतलब बेहोश हो जाना, जिसका एक टर्म इस्तेमाल होता है सिंकोप, और कन्वर्जन एक्शन वगैरह भी आ सकती है। इट इज कॉज्ड व्हेन द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर इंटरप्टेड एज दे पास फ्रॉम द अपर आर्ट्रिया टू लोअर वेंट्रिकल चैम्बर। ऐसा होता कब है, जब आर्ट्रिया से ठीक है ना, जब आर्ट्रिया से सिग्नल वेंट्रिकल की तरफ आ रहा होता है उस समय ये क्या होता है, सिग्नल में दिक्कत आ जाती है, तो इसको कहा जाता है एडम्स स्ट्रोक। आर्ट्रिया ने तो सिग्नल बनाया लेकिन वेंट्रिकल में प्रॉपर आ नहीं पाए, तो एक ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, हार्ट की प्रॉब्लम हमने सुना है बड़े बूढ़ों में होती है, बट आजकल बच्चों में भी देखी जा रही है। बच्चों में जनरली होता क्या है, इन चिल्ड्रन लोअर चैम्बर, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं ऑफ द हार्ट, इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, टेक टू लॉन्ग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, बहुत देर बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चों में ऐसा पाया जाता है जनरली, और भी कंडीशन हो सकती है बट ये जनरल बात है। द गैप ऑफ टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ साइकिल कैन बी मेजर्ड एंड कंपेरेबल कंपेयर टू नॉर्मल एवरेज फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, वो बात बोल रहा है कि उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मेन दिक्कत क्या हो रही है, बच्चों का जो वेंट्रिकल्स है वो काफी लंबा समय ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनमें क्या एरिथमिया पैदा हो रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ ये सारे टर्म्स बीच बीच में आते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जब तुमको टाइप सारे पता चल गए ना, तो तुम क्या कर सकते हो, इसकी आठ प्रश्न याद कर लो, जब यूज की बात आएगी तो यूज में अच्छे अच्छे टर्म्स तुम लोग डाल सकते हो। इट इज यूज टू ट्रीट आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, इट इज यूज टू ट्रीट बैडाइकार्डिया, इट इज यूज टू ट्रीट कंडक्शन डिसऑर्डर, इट इज यूज टू ट्रीट प्रीमैच्योर कंट्रक्शन, इट इज यूज टू ट्रीट टैकाइकार्डिया, सब है तो हार्ट डिजीज, सब ये एरिथमिया के जो वो है, एक कॉमन वर्ड डाल दो, इट इज यूज टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथमिया। देखो बता रहा हूं मैं, इसमें जितने भी ड्रग्स होंगे उसके यूजेस में एक यूज लिखो, इट इज यूज टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथमिया, छह सात मैंने लिखी हुई है, इनमें से कोई तीन चार लिख दो, यूजेस खत्म हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है ना, एग्जैक्टली याद बहुत अच्छी बात है, वरना मिलते जुलते रहते हैं, थोड़ा बहुत सब में काम आ जाता है, क्लियर है बात, ठीक है, आगे चले। अब आता है एंटी एरिथमिक ड्रग, अब हमने ड्रग्स का बताया था, तो ये सारी कहानी जो हमने पढ़ी जो माइंड नर्चरिंग पॉइंट्स के अंदर थे वो क्या थी कहानी, हमारा एक बेस तैयार हो गया। अब देखो फटाफट हो जाएंगे सारी चीजें, क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने मोटा मोटा इसको तीन पांच क्लास में तोड़ा हुआ है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव। देखो क्लासिफिकेशन में भी क्या बोला हुआ है, इंटरफेयर विद सोडियम चैनल। अब अगर सोडियम चैनल तुमको नहीं पता होता, वो प्रोसेस नहीं बताता, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि सोडियम चैनल का क्या मतलब है, ठीक है। क्लास टू आर एंटी सिंपाथेटिक, सिंपाथेटिक क्या करते हैं, हार्टबीट को चेंज करते हैं, और एंटी सिंपाथेटिक हार्टबीट को कम कर देते हैं, क्लियर है ना। नर्व सिस्टम मोस्ट एजेंट दिस क्लास आर बीटा ब्लॉकर्स, कैसे होते हैं ये, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, याद आ गया पिछला वाला, गुड। क्लास थ्री एजेंट अफेक्ट पोटेशियम इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब बाहर निकलना, इफ्लक्स का मतलब बाहर निकलना, जो पोटेशियम मेरा सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है उसको अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। क्लास फोर क्या है, अफेक्ट कैल्शियम चैनल, मैंने बताया कैल्शियम जब बहुत सारा अंदर आता तभी पोटेशियम क्रिएट होता है, अभी समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना। वर्क बाय अदर अननोन मैकेनिज्म, जो क्लास फोर फाइव है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, ये किसी और अलग तरीके से मैकेनिज्म करती है जो कि अभी क्लियर नहीं है। इसको अगर तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और टेबल के फॉर्म में याद करना चाहते हो तो ये रहा उसका टेबलेट फॉर्म, याद कर सकते हो। अच्छा यहां बता दूं मैं, कई बार तुमको मिलेगा देखने को क्या मिलता है, इसमें 1A बोल लो या 1A ऐसा लिखा होगा, 1B ऐसा लिखा होगा और 1C ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना। जो 1A वाले होते हैं ये मॉडरेट होते हैं, ठीक है, अपने पोटेंशियल वाइज ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे अगर 1A 1B 1C लिखा हुआ है तो उससे घबराना नहीं है, कैपिटल में लिखा हो सकता है, छोटे में लिखा हो सकता है, उनके एक्सरसाइज बात कर लो
चाहे उनकी स्ट्रेंथ वाइज बात कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दो होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, थर्ड होते हैं वो रिपोर्टराइज करते हैं, फोर्थ हो रहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक टेबलेट बना हुआ है, इसको तुम लोग एग्जाम में जब क्लासिफिकेशन आएगा तो इसको तुम लोग कर सकते हो। क्लियर है बातें? चले आगे अब। ओके, नाउ द फर्स्ट ड्रग पिरिडीन सल्फेट। ठीक है, अभी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज कर दो या बैक जाकर के क्लियर कर लो, फिर फटाफट इसको दौड़ाते चलो इसको। ठीक है ना, अब कुछ नहीं बचा इसमें। देखो टर्म्स आएंगे एक्शन पोटेंशियल, अब तुम सब समझते हो क्या होता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? क्यूरेटिव सल्फेट इज अ क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग। क्लास 1 ड्रग क्या होती है बताया अभी, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क, जो छाल होती है। बार्क मतलब छाल, बार्क मतलब छाल, जो छाल होती है किसी सिंकोना ट्री की। सिंकोना ट्री की जो छाल होती है क्यूरेटिव है ना, ये मलेरिया में भी काम में आता है। ट्री एंड सिमिलर प्लांट स्पीशीज, जो सिंकोना जैसे प्लांट है उनके जैसे सिंगल मिले जुलने वाले जो ट्री है उनकी छाल से बनाया जाता है। This alkaloid, ये एक alkaloid है, lowers the excitability of cardiac, excitability यानी कि जो heart मेरा बहुत ज़्यादा excite हो गया है, तादाद से ज़्यादा impulse बना रहा है, बहुत तेज चल रहा है, उसको क्या करता है ये कम कर देगा। Of cardiac and skeletal muscles by blocking muscles, जो कैमरा वाले हाथ फड़कते हैं ना बहुत तेज, उसकी बात कर रहा है। क्या करता है? By blocking sodium and potassium current। अब तुमको ये बात समझ में आती होगी, अच्छा सोडियम पोटेशियम करंट का मतलब जो उस चैनल से सोडियम पोटेशियम जा रहे थे बड़ी तेजी से उनको इसने कम कर दिया होगा। तो ये बात आपको दिमाग में आ जाती होगी। अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन सब दिखाया मैंने, सेलुलर मेम्ब्रेन बीच में चैनल है और सोडियम पोटेशियम उसके अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक, इट प्रोलॉन्ग्स, प्रोलॉन्ग्स मतलब लंबा कर देना। ठीक है ना, सेलुलर एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल मेरा छोटा हो गया है ना, जो 0.8 है, ठीक है, वो मेरा 0.8 का था यानी कि 0.6 हो गया होगा, 0.5 हो गया होगा, उसको प्रोलॉन्ग कर देगा, लंबा कर देगा, वापस खींचेगा कि नॉर्मल आ जाए। ठीक है, एंड डिक्रीजेस द ऑटोमेटिसिटी, जो ऑटोमेटिक फटाफट जो सिग्नल्स क्रिएट हो रहे हैं उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ताकि जो एक्साइटेबिलिटी है यानी फास्ट हार्ट बीट हो गई उसको क्या कर दे, ये स्लो कर दे। कहानी समझ में आ रही है? मजा आ रहा होगा। इसके ऊपर कोई स्टार नहीं है तो केमिकल लेमा स्ट्रक्चर छोड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट देखते हैं मजा आएगा। ठीक है ना, अब देखो बच्चों यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर तुम लोग फंक्शनल ग्रुप पकड़ो तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, मिथेनॉल लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, मिथेनॉल, ये रहा सी और इस पे क्या लगा हुआ है OH, तो ये रहा मिथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसका सल्फेट स्ट्रक्चर साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा जाता है इसका। ठीक है, कंपाउंड में अलग से लिख सकते हो। अब देखो मिथेनॉल में देखो क्या है, एक तरफ ये लगा हुआ है, एक तरफ ये लगा हुआ है, ये वाला पार्ट आसान है हमारे लिए। देखो क्या मेरे पास 5-ethanol, ठीक है ना, 5-ethanol, तो मेरे पास आता है ये 1, 2, 3, 4 and 5-ethanol, सी और सी, इथीन ये कौन सा ग्रुप है, ये दिस इज इथीन, और क्योंकि ये ब्रांच में है तो ये क्या हो जाएगा, इथिनिल या इथिनाइल। ठीक है ना, किस पे लगा हुआ है, फाइव पे लगा हुआ है। वन पर एजो, समझाया था लास्ट में, नाइट्रोजन है तो एजो, और ये ब्रिज है बच्चों, ये क्या है, ये दिस इज ब्रिज। ठीक है, एंड बाईसाइक्लो है ना, एक रिंग ये है एक रिंग ये है, अब रिंग में मैंने क्या बताया था, ये ब्रिज है वन और फोर के, और जो ब्रिज बना हुआ उसमें देखो एक तरफ कितने, एक दो दो एटम है, इस तरफ काउंट करें तो एक दो दो एटम है। ठीक है ना, 5-6 दो एटम हो गए, 2-3 दो एटम हो गए, 4 और 1 के बीच में एक और दो दो है, वो है सॉरी कार्बन है, एटम नहीं कार्बन है, तो 2.2.2 ये तरीका भी समझाया था मैंने। ओके, फिर से आ गए यहां पर, और ऑक्टेन, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो क्या है ऑक्टेन, और दो नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दो नंबर कार्बन जुड़ा 2i। ठीक है, अब इधर आया देखो क्या है, हाँ ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, दिस इज व्हाट, यहाँ पे सी है ना, दिस इज मिथॉक्सी, तो 6 पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी और किरोलीन, ये क्या है किरोलीन है, और किरोलीन किससे जुड़ा हुआ है, 4i, ये 4 वाले पार्ट जुड़ा हुआ है, और मिथाइल और सल्फ्यूरिक एसिड। मजा आया? ठीक है ना,
उम्मीद कर रहा हूँ नॉर्मल टीचर अब काफी हद तक सीख गए होंगे, और स्ट्रक्चर जो खास खास है उनको क्या करो, ज्यादा नहीं है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मतलब अगर स्ट्रक्चर बना लिया तो स्ट्रक्चर से नाम लिखना आसान है, तो जरूरी नहीं है कि तुम किसी का नाम याद करो, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो, स्ट्रक्चर से ही नाम तुम बना ले जाओगे। क्लियर है? इसकी मैं क्लास लूंगा, प्रॉपर क्लास, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा आईओपीसी का है उसको पीछे छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, बच्चों के आगे एग्जाम आने लगे तो उस पार्ट को स्किप कर दिया था मैंने, लास्ट में कराऊंगा बच्चों, और नेमिंग इस तरह से करा दूंगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे आते हैं। यूज की बात करें, एक बात और, कुछ बच्चों का था करके शायद डिस्क्रिप्शन में नहीं देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक में सबके नोट दे रखे हैं। ठीक है, प्लस कुछ बच्चों को शायद क्या है कि ब्लरिंग आ रही है, तो मैंने एक बार थोड़ा फॉन्ट बड़े कर दिया, उसके बाद में ब्लरिंग आ रही है, तो बच्चों कहीं ना कहीं नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग अपने नेटवर्क चेक करें या लोकेशन बदल के देखें, नेटवर्क सही आएगा तो क्लियरिंग आएगी, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ अपने वीडियो वो क्लियर है, दूसरे मोबाइल में चेक किए वो क्लियर आ रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ी शिकायत है इस चीज की, वो लोग एक बार अपना नेटवर्क जरूर चेक करें, ठीक है, और उसके बाद वीडियो चलाएं। ठीक है ना, वीडियो में ब्लरिंग वाली जो दिक्कत आ रही है वो स्पेशली नेटवर्क की वजह से आती है। क्लियर? यूज की बात करते हैं। अब देखो मैंने जो बताया, यूज चाहो छोड़ दो, क्या क्या था, ब्रैडीकार्डिया, टैकाइकार्डिया, एरिथमिक हार्ट बीट, सब लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ इरेगुलर टू ट्रीट एंड प्रिवेंट, जनरल टर्म टू ट्रीट और प्रिवेंट, मैंने टाइप्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट टू ट्रीट और प्रिवेंट, है ना, ये तो टर्म सिंपल होगी, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइक आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, ठीक है ना, डिक्रीज द नंबर ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, क्या है ये, वही सारी बातें स्टार्टिंग पढ़ ली, अगर नहीं भाई भी थोड़ा सा लग रहा है तो फिर से रिपीट करो। यूज तो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो 4-5 पॉइंट और लिख दो, बात समझ में आ रही है आल्सो। अच्छा हाँ, इसकी थोड़ी सी खासियत है, एज एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आगे जब आएगा एंटी मलेरियल पढ़ेंगे वहां पे वर्ड आएगा क्यूनिन, क्या आएगा क्यूनिन, मैंने जान के लिखा है, जब क्यूनिडीन बोलेगा तो हार्ट और क्यूनिन बोलेगा तो मलेरिया। ठीक है, तो फिलहाल जब हार्ट की बात करेंगे यहां मैंने लिख दिया है, इसको ना लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा, मलेरिया मलेरिया का, हार्ट का हार्ट में। क्लियर है? समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। स्टोरेज सबका पूरी ड्रेस पे यहाँ मैंने चेक किया, सबका सेम है। ठीक है, तो तुम लोग भी ये समझदारी दिखा सकते हो, स्टोरेज वही पूरे नोट से चेक कर सकते हो, सबका सेम ही होता है। ठीक है ना, 3 पॉइंट कॉमन, शुड बी स्टोर्ड एट 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी से बचाओ, स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, ऐसे कंटेनर रखो जहां पे लाइट डायरेक्ट ना पहुंच सके। क्लियर है बातें? चले आगे, फॉर्मुलेशन टैबलेट और कैप्सूल है, ब्रांड नेम की बात करें तो क्यूनोरा, कार्डियोक्विन और क्यूनिडीन सल्फेट के नाम से भी डायरेक्ट ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है? चले आगे। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोकेन अमाइड हाइड्रोक्लोराइड। प्रोकेन अमाइड हाइड्रोक्लोराइड क्या है? प्रोकेन अमाइड हाइड्रोक्लोराइड, आओ देखते हैं, इज अ हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ प्रोकेन अमाइड। ठीक है, प्रोकेन अमाइड हाइड्रोक्लोराइड है तो प्रोकेन अमाइड का सॉल्ट होगा ये, HCl लगा हुआ है। It is 1A, अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन याद हो तो वहां से ये लाइन एक ऐड हो जाएगी। It is a 1A, क्लास 1A का एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी है इसके पास। ये कॉमन टर्म हो गया, एंटी एरिथमिया पढ़ रहे हैं तो सारे ड्रग्स कैसी प्रॉपर्टी रखते होंगे? एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी रखते होंगे। ठीक है, एंड एनालॉग टू प्रोकेन। अब एनालॉग टू प्रोकेन जिन बच्चों को दिक्कत है वो ना लिखे, अगर एनालॉग का मतलब होता है प्रोकेन के सिमिलर है। ठीक है, प्रोकेन अमाइड हाइड्रोक्लोराइड रिवर्सिबली बाइंड, मैं समझा चुका हूं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब, रिवर्सिबली मतलब कुछ समय बाद छोड़ देगा, बाइंड एंड ब्लॉक एक्टिवेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। देखो बच्चों, अब जब ये बोलता है ना वोल्टेज गेटेड, यानी कि वोल्टेज की वजह से जो सोडियम चैनल खुल जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो सोडियम चैनल थे वोल्टेज गेट नहीं था, सोडियम चैनल तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, उसको ब्लॉक कर देता है, thereby blocks the influx of sodium, influx मतलब अंदर जाना, influx मतलब अंदर जाना। अब अगर प्रोसेस याद है तुमको तो सोडियम अंदर जाता था तो वोल्टेज बढ़ता था, वो जाना इसने रोक दिया। ठीक है, which leads to an increase in threshold। अब threshold का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं तुम्हें बताऊं, जब सोडियम अंदर जा नहीं रहा है तो हुआ क्या, जो पहले ये -60 के बाद -40 पे क्या होता था, एक्साइट हो जाता था, तो वो उसका टाइम बढ़ गया। ठीक है ना, वो उसका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सोडियम तो अंदर जा नहीं रहा है तो टाइम लगेगा इसको। थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन एंड इनहिबिट डीपोलराइजेशन। देखो अब डीपोलराइजेशन वर्ड आ गया यहां पर, तो अब पकड़ पाओगे, डीपोलराइजेशन मतलब जब डीपोलराइजेशन होता है तभी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। बात इनहिबिट मतलब रोक देता है, क्या रोक देगा,
इनहिबिट मतलब रोक देता है क्या, डीपोलराइजेशन। आगे आते हैं केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर दोनों नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ जाएं, बट हम करेंगे इसको थोड़ा समझेंगे। क्या कह रहा है देखो, आप इसमें बात समझो जरा, ये क्या है सी सी ओ एन एच सी ओ, ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, अमाइड। तो फिनाइल भी इससे पीछे होता है, बाकी सब तो इसके पीछे ही है, तो यहाँ पर मेन कंपाउंड मेरा क्या हो गया, अमाइड। पकड़ लिया हमने अमाइड, किसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, बेंजीन के साथ लगा हुआ है, तो ये पार्ट क्या हो गया बेंजामाइड, ये लिखा हुआ है बेंजामाइड। बेंजामाइड के फोर पे क्या है, अमीन है, तो फोर पे हमने अमीनो कर दिया, वन टू थ्री और फोर, फोर पे क्या लगा हुआ है अमीनो। अब आगे आते हैं इस एन पर क्या लगा हुआ है, बात समझना, वन टू ठीक है ना, एन पर टू पर एक सी और दूसरा सी, ये हो गया एक इथाइल, ये हो गया दूसरा इथाइल, तो डाई इथाइल अमीनो, ये अमीनो हो गया और इथाइल, वन टू क्या हो गया इथाइल, ठीक है, एक इथाइल इसकी वजह से डाई इथाइल अमीनो और एक इथाइल हीरा बेंजामाइड, और ये क्या है मेरे पास बेंजामाइड, और साथ में क्या है हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। यूज की बात करें तो यूज टू मैनेज एंड ट्रीट, क्या ट्रीट करता है, इसके आगे यहां से लगा देंगे, ये यहां से हटा देंगे, ठीक है, क्या क्या ट्रीट करवा रहा है आओ देख लें, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर, सुप्रा वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल के ऊपर वाले एरिथमिया, आर्ट्रियल फ्लटर है ना, हार्ट बढ़ती है लगता है, फ्लटरिंग कहते हैं कई बार, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एक डिजीज है, ये क्या होती है, एंड एक्स्ट्रा सिग्नलिंग पाथवे, ये कुछ लोगों के साथ ना बेचारे बदकिस्मत होते हैं, और जो एक सिग्नल का रास्ता था ऐसे नोड से ए बी नोड जाने का, उसके अलावा एक रास्ता और आ जाता है इनकेस हार्ट के अंदर, तो जब दो रास्ते हो गए तो जाहिर सी बात है हार्ट बहुत तेजी से चलेगा, तो कह रहा है एंड एक्स्ट्रा सिग्नलिंग पाथवे, एक सिग्नल का एक और एक्स्ट्रा पाथवे रास्ता हो जाता है, क्या होता है बिटवीन द हार्ट अपर एंड लोअर चैम्बर, एक तो था ही होता ही नेचुरल, एक और आ जाता है, ठीक है, डिजीज है, कॉजेज ऑफ फास्ट हार्ट बीट। अब भाई एक सिग्नल और आ गया तो जाहिर सी बात है हार्ट बीट क्या हो जाएगी और तेज हुआ करेगी, इसे हम टैकाकार्डिया कहते हैं, दिस कंडीशन प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि जन्म से होता है ये दिक्कत, ठीक है ना, ठीक है, इट इज फेयरली रेयर, बहुत रेयर है ये, लाखों में करोड़ों में किसी एक आदमी को होता है, ये बहुत रेयर है, लेकिन जिसको होता है बेचारे को वो दिक्कत में रहता है, तो एक डिजीज है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, उसमें भी ये काम आ रहा है। स्टेबिलिटी स्टोरेज क्लियर है, ठीक है, शुड बी स्टोर्ड, इसकी बात नहीं करेंगे, फॉर्मुलेशन कैप्सूल एंड इंजेक्शन। अब ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम प्रोकेन बिड, प्रोकेन एसआर, प्रोस्टाइल, ये इसके क्या है ब्रांड नेम आ जाएंगे, क्लियर है। आगे आते हैं वीरापामिल, ठीक है, वीरापामिल सोल्ड अंदर वेरियस ट्रेड नेम, कई सारे ट्रेड नेम, ये कॉमन सी लाइन है, कई सारे ट्रेड नेम, कई सारे ब्रांड नेम के अंदर इसको हम बेचते हैं। इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अब कैल्शियम चैनल बात जैसे बोलूंगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो बात समझ में आती कि नहीं आती है, गुड, कुछ बच्चे कह रहे आती है, कैल्शियम चैनल भी ब्लॉक कर दिया, जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया तो वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं आगे, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी कि हार्ट बीट को स्लो कर देगा, ठीक है ना। मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी, अच्छा हाई बीपी में भी इसका काम है, एंजाइना में भी काम है, लिख सकते हो, अदरवाइज मेन काम इसका क्योंकि हमारे पास हार्ट का चल रहा है, हार्ट में ये दोनों भी आते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए एरिथमिया में चाहिए, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकाकार्डिया, यानी कि वेंट्रिकुलर के ऊपर वाला पार्ट है आर्ट्रिया, उनका जो टैकाकार्डिया, उनका जो फास्ट बीटिंग है उसमें मेन ये काम आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम भी लिख दिया लेकिन तुम लोग मेन काम ये लिखोगे इसका। इट मे आल्सो बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। इट गिवन बाय माउथ और बाय इंजेक्शन इनटू द वीन, कोई टैबलेट वगैरह है इंजेक्शन वगैरह तो जाहिर सी बात है उसको वैसे हम देंगे, एक बार एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ओके। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, देखो बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, आओ देखें मजा आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पकड़ना है, कंपाउंड पकड़ना है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये फिनाइल है, ये मिथॉक्सी है, ठीक है ना, हम लोग दिख रहा है मिथॉक्सी है, ठीक है, यहाँ पर एन लगा हुआ है, अमीन है, ये सी एन लगा हुआ है, देखो इस समय जो ग्रुप हमको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं अमीन इथॉक्सी, उसमें सबसे प्रायोरिटी पे कौन है, सी एन नाइट्राइल, कौन है ये नाइट्राइल, तो इस सी को नंबर वन दूंगा, टू और थ्री फोर एंड फाइव, तो मेन चीज तो ये आ गई, इसलिए लिखा हुआ है पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है, सी एन को क्या पढ़ते हैं नाइट्राइल, उसका सी भी काउंट होता है। अब देखो टू की बात करूं मैं, इस टू पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वन टू
3, 4 एंड अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, काउंटिंग में प्रायोरिटी कम देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तो 3 और 4 2 पर, इसके 2 पर क्या लगा हुआ है, 3, 4 डाइमिथॉक्सी, एक मिथॉक्सी दूसरा मिथॉक्सी, डाइमिथॉक्सी और ये ग्रुप क्या है, फिनाइल, ठीक है। अब आगे आते हैं, इस पाइप पे क्या लगा हुआ है, पाइप पर 1 और 2 2 पर क्या लगा हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4 अगेन 3, 4 डाइमिथॉक्सी फिनाइल, दोनों तरफ सेम ही था ये, ठीक है। और ये इथाइल 1, 2 क्या है, ये इथाइल और मिथाइल अमीनो ठीक है। 2, 2 अब देखो इस 2 पे क्या लगा हुआ है, 1, 2 और 3 2 पे क्या लगा, प्रोपेन, और प्रोपेन जुड़ा किससे है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2i पास समझ में आ रही है, पेंटेन आई क्लियर है, इजी है, अब तो इजी हो गया मेरे ख्याल से नेमिंग करना, बस स्ट्रक्चर तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, या उल्टा करो, नाम याद रखो तो उससे स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर याद रखो तो उससे नाम लो। यूज टू ट्रीट हाई बीपी, टू कंट्रोल एंजाइना, टू प्रिवेंट ट्रीट इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। तो हार्ट बीट मैंने बताया, कॉमन याद रखो इनमें, स्टेबिलिटी स्टोरेज वही सब सेम है, फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट कैप्सूल और सॉल्यूशन, ब्रांड नेम जवेरा, कैलेप्टिन और वेरासिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं फिनाइटोइन सोडियम, स्टार लगा हुआ है, ध्यान देना क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ मतलब इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर, ये तो अपने कोर्स में है, करना है ये, ठीक है। आओ देखें फिनाइटोइन शॉर्ट फॉर्म है PHT के नाम से हम लोग बुलाते हैं, सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम डाइलेंटिन अमोंग अदर्स, अमोंग अदर्स का मतलब होता है और भी है, उनमें जो कॉमन सबसे ज्यादा फेमस है वो है डाइलेंटिन, क्लियर होगी बात। इट इज एन एंटी सीजर, देखो एंटी सीजर को जब पढ़ोगे या पढ़ा है जो हमने, वहां पे फिनाइटोइड था हमारे पास, ठीक है, तो एंटी सीजर है, तो ये पूरी लाइन मैंने सीजर के लिए लिख दी है, एंटी सीजर इस लाइन को जब अगर हार्ट के लिए बात आती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करोगे, इस वाले पार्ट को हटा दोगे, सीजर वाले पार्ट को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हटा देना, सीजर के वाले हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इट में आल्सो बी यूज्ड फॉर सर्टेन हार्ट एरिथमियाज, हार्ट की जो एरिथमियाज है उनमें काम आता है, न्यूरोपैथिक पेन और जो हमारे नर्व्स का पेन होता है उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। इट कैन बी टेकन इंट्रावीनसली यानी कि IV नसों में लिया जाता है डायरेक्ट नसों के द्वारा, या बाय माउथ यानी कि ये इंजेक्शन और टैबलेट दोनों के रूप में अवेलेबल है। आगे आते हैं, इट द इंट्रावीनस फॉर्म जनरली बिगिंस वर्किंग विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर ही अपना इंटरवल वाला काम करना शुरू कर देता है और लगभग 24 घंटे तक इफेक्टिव रहता है। जनरल है, कोई भी मेडिसिन होती है उसका लगभग यही रहता है, कुछ का कम ज्यादा होता है, तो ये हर किसी में ये चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर आओ देखिए, ठीक है, ये है पढ़ना है केमिकल नेम और स्ट्रक्चर, ओके। तो क्या है देख रहा है हमको यहां पर, अब देखो यहां पे कंपाउंड पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है ना, इमिडाजोली, ठीक है ना, तो यहां पर हम कंपाउंड पकड़ते हैं, देखो क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो 5 पर एक फिनाइल ये रहा, दूसरा फिनाइल ये रहा, है ना, फिनाइल 1 फिनाइल 2 5 डाई फिनाइल, ठीक है, इमिडाजोलिन 3i 1 2 3, ठीक है, 3 इमिडाजोलिन 3i और 2 4 डाई 1, 2 पर और 4 पर क्या लगे हुए हैं, कीटोन लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जो ये 3-ID है, एक्चुअली होता क्या है, यहां से ये वाला जो H है ना ये हट जाएगा और इसी जगह पे क्या लगता है, यहां पर सोडियम लग जाता है ना, सोडियम है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3-ID और 2-4 डायमंड, क्लियर है बातें, ठीक है। आगे आते हैं, यूज की बात करें तो वेंट्रिकुलर टैकाइडा, टैकाइकार्डिया और आर्ट्रियल टैकाइकार्डिया, तो कॉमन है, मैंने कहा ना यूजेस, कोई 4-5 जो शब्द हमारे याद हो गए तो यूज को उसको सब में लिख सकते हो, क्लियर है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें, शुड बी स्टोर्ड एट, वो सारी सेम कहानी है, इसमें कुछ है नहीं। फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल और इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है, और ब्रांड नेम है ना डायलेंटिन एंड एपिसेंट और एपिसोल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, क्लियर है। आगे देखते हैं लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जनरली जो लिडोकेन है हमने एनेस्थीसिया में पढ़ा हुआ है, याद है
एनेस्थीसिया के अंदर, ठीक है। तो बात कर लें लोकल एनेस्थेटिक कैसे हुआ है, ये एक लोकल एनेस्थीसिया भी है एंड कार्डियक डिप्रेसेंट भी है, कार्डिया को यानी हार्ट को लो कर देगा, उसके बीट को लो करेगा। यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिया एजेंट, कैसे इस्तेमाल होता है, एंटी एरिथमिया एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। लिडोकेन की बात करें, आल्सो नोन एज लिग्नोकेन, इसको हम लिग्नोकेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करना चाहते हैं हम लोग किसके टर्म में, हार्ट के टर्म में। तो हार्ट के टर्म में ये क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। अब ये बात बोलते दिमाग में आ जाती होगी कि क्या काम कर रहा है ये, ठीक है। एंटी एरिथमिक ड्रग जो पढ़ाया स्टार्टिंग में, वो सारी बातें समझ आ रहा है, स्टार्टिंग की बातें अच्छे से समझ लेंगे तो बाद में क्या है एक एक बात को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट वेंट्रिकुलर टैकाकार्डिया, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यहाँ पे देखो मेन क्या दिख रहा है मेरे को, सी ओ और एन एच, यानी कि अमाइड है, ठीक है ना। तो एसिटामाइड, एक सी ये है एक सी ये है, तो दो सी से क्या बनता है एसिड, एसिटा वर्ड आता है उसके लिए, तो एसिटामाइड हो गया, ठीक है। तो ये वन और ये टू, टू पर देख लेते हैं, एक सी ये है एक सी ये है एक सी ये है एक सी ये है, तो इथाइल, एक इथाइल ये और एक इथाइल ये, तो डाई इथाइल हो गया, तो टू पर डाई इथाइल अमीनो हो गया, ओके। और एन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मिथाइल और ये मिथाइल, तो 2, 6, 2 और 6 पर डाई मिथाइल और बाकी कंपाउंड क्या है, फिनाइल। मजा आ रहा होगा, आई थिंक नेमिंग अब काफी अच्छे समझ में आने लगी होगी, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास डाई मिथाइल फिनाइल एस्टामाइड और हाइड्रोक्लोराइड, ये नीचे क्या है मेरे पास HCl लगा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, ओके। यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड टू ट्रीट प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टैकाकार्डिया, वॉल्व पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, ठीक है, कॉमन डाल देने हैं। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट के रूप में है। ब्रांड नेम की बात करें तो कार्बिडोन और लिडोकेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है, सिंपल है, आसान लग रहा है, सारी मैंने शुरुआत में दी, अब आगे तो मैं दौड़ा दो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड, लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड है ना, इज ए क्लास ऑफ 1C, 1C मैंने बताया स्ट्रॉन्ग वाला है ये 1C, ठीक है, एंटी एरिथमिया एजेंट है ये। इट इज यूज टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट, ठीक है, रिस्टोर करना मतलब वापस लेके आना, नॉर्मल हार्ट रिदम को वापस लेके आता है। एंड कंडक्शन इन द पेशेंट, जो नॉर्मल हार्ट रिदम है और जो कंडक्शन बिगड़ गया है सोडियम प्रेशर का, उसको वापस लेकर के आ रहा है। विद प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर, ठीक है, पेशेंट के अंदर, कौन से पेशेंट के अंदर, जिनके अंदर ये सारी डिजीज पाई जाती है, उनकी रिदम को कंट्रोल करता है, उनकी कंडक्शन को नॉर्मल बनाता है, कौन, लॉर्केनाइड हाइड्रोक्लोराइड। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या है, सी, ओके, ये सी आ गया, ये एन आ गया, यहाँ पर ये हट गया तो सी ओ और NH2 होता, तो अगेन क्या बन गया, अमाइड बन गया, एक सी ये है एक सी ये है, तो क्या हो गया, एस्टामाइड हो गया। अब इस एन पर जरा गौर से देखो, इसकी बात करूं तो 1, 2, 3 एंड 4, 4-chloro-phenyl, ठीक है ना, 4-chloro-phenyl हो गया, ठीक है। अब यहां देखते हैं जरा, और यहां पर आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, इसी एन को हम साथ में आगे ला सकते थे, इस वाले पार्ट को, ये पार्ट को थोड़ा सा आगे होना चाहिए, एन एन एक साथ है, तो वापस ले लेते हैं इस एन को, याला एन यहां पर आ गया, याला पार्ट कवर हो गया, याला। इस एन की बात करें तो यहां पर आएगा 1, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये N लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग यहाँ से हो जाएगी इसकी, 1, 2, 3 एंड 4। 1 पे क्या लगा हुआ है, 1C, 2C, 3C, प्रोपाइल 2I, प्रोपेन 2I, प्रोपेन और 2 से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2I हो गया, और ये क्या है, पिप्रिडीन था, इसलिए 1 से यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ी, और जुड़ा किससे, 4 से, तो 4 से I लग गया ये, एंड एस्टामाइड, ठीक है ना। और ये 2 पर क्या लगा हुआ, फिनाइल, पर 2 पर ये क्या लगा दिया है, फिनाइल लगा दिया है। क्लियर है, नेमिंग तो बहुत आसान हो गई है, ठीक है, और आसान हो जाएगी जब मैं इसका एक प्रॉपर लेक्चर ले लूंगा लास्ट में जाकर के। चलो आगे देखते हैं, यूजर बच्चे देखो वही है, रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम एंड कंडक्शन, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, ठीक है, यूज अब कर लोगे, आई थिंक अब यूज बताने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट्स है, ब्रांड नेम की बात करें तो लर्का, लर्पिन और लैंडिप के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है, अब सिंपल लगने लगा होगा, अभी बहुत मजा आ रहा होगा, अरे ये तो क्लियर, मजा आ गया, ठीक है ना। अगर थोड़ा फास्ट चल रहा हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दे
और सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा उसको दिमाग में रिटेन करके चले और फिर पढ़े। बड़ा मतलब बहुत इजी है, हार्ट हार्ट तो सबके पास है। लोग खेलने लगते हैं, आ जाओ बेटा, खेलने के लिए नहीं होता, पंप करने के लिए होता है ना। हार्ट किसके लिए होता है? कुछ लोग बोलते हैं खेलने के लिए नहीं होता, ब्लड पंप करता है। आ जाओ, एमियोडरोम, ठीक है ना। तो एमियोडरोम की बात करें, इट इज एन आयोडीन रिच, थोड़ा सा इसकी कैरेक्टर यूनिक है तो थोड़ा सा याद कर लेंगे। इसके अंदर आयोडीन होती है, बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव है। बेंजोफ्यूरॉन पहले पढ़ते थे, अभी फिर दिखा दूंगा मैं। बेंजोफ्यूरॉन डेरिवेटिव विद एंटी एरिथमिक एंड वैसोडायलेटरी एक्टिविटी। अब ये याद ना रहे, अगर ये पता है एमियोडरोम तुम्हारे पास क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग है, कह सकते हो कि यस इट इज अ ड्रग हैविंग एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज, लिख दो, है ना। जरूरी नहीं कि मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे चलना है, बात समझ में आ रही ना, आसान बनाना चीजों को। इट इज अ क्लास थर्ड एंटी एरिथमिक एजेंट, जो क्लास थर्ड था क्लासिफिकेशन में वो है। और किसी को प्रॉब्लम आए तो नोट्स निकाल के सामने रख ले, फटाफट वीडियो पॉज करें, नोट्स पलटे, क्लासिफिकेशन देखे या वीडियो पॉज करके बैक जाए, ठीक है। टाइम नोट करो, जब बैक जाते हो तो वीडियो को टाइम नोट कर लिया करो कि इस टाइम पे चल रहे थे, बैक जाके देखा वापस उसी टाइम पे आ गए, दिक्कत नहीं आएगी। इट ब्लॉक्स द मायोकार्डियल कैल्शियम। देखो मायोकार्डियल, मायो मतलब वो मसल्स, लिख लो हिंदी में, मायो मतलब मसल्स और कार्डियल मतलब हार्ट। हार्ट की मसल्स के कैल्शियम को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, पोटेशियम सोडियम को भी ब्लॉक कर रहा है ना, सब कुछ ब्लॉक कर दे रहा है ये। ओके, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्गेशन ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। अब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को काफी लंबा समय लगेगा पूरा होने के लिए, यानी कि हार्ट बीट धीमी पड़ जाएगी। ओके, आगे आते हैं। एमियोडरोन इज एन एंटी एरिथमिक मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्डियक डिसरिथमियास। एंटी एरिथमियास को डिसरिथमियास भी कहते हैं, एक तरह से फर्जी लाइन है, लिखना है ठीक है, फर्जी लाइन ऐसे है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आने के लिए तुम लोगों का एग्जाम है ना। तो देखो बेटा, कोशिश करो जो मैं बातें लिखता हूँ ना, ये इसमें किस तरीके की चीजों को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो एग्जाम में, है ना, चीजों को थोड़ा सा। ओके, क्या है दिस इंक्लूड एंड दिस रिथमिया में क्या क्या चीजें करेगा, ये वेंट्रिकुलर टकाइडा ठीक करेगा, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन ठीक करेगा, वाइड कॉम्प्लेक्स टकाइडा ठीक करेगा, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा ये, वो सारे लिख दिए इसने, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो गिवन बाय माउथ, आईवी और इंट्रा ऑसेसली। देखो ये टर्म थोड़ा सा नया आ गया, देखो ये कैसे ड्रग है, इंट्रा ऑसेसली, ऑसेस ऑसेस मतलब हो गया हड्डी, डायरेक्ट हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अंदर हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होती है ना, वहां पर पहुंचाया जाता है इंजेक्शन, इसको लगाया जाता है। अब वो क्यों, किस कंडीशन में हड्डी, देखो बच्चों हड्डी ऐसी हड्डी है ना ये, तो बीच में मैंने बताया था बीच में खोखला होता है ये बीच में, तो सीधा इंजेक्शन यहाँ पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें इसके केमिकल नेम है, स्ट्रक्चर की, तो वो भी सिंपल है। अब देखो यहाँ पे घूम फिर के देखोगे तो ये अमीन है और ये क्या लगा हुआ है, दिस इज कीटोन है, कीटोन होता है ये वाला ग्रुप डबल बॉन्ड वाला, तो ये लग रहा हो, बाकी सारे जो लगे हुए हैं वो सब इससे पीछे प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये ऊपर है, तो एक ही सी लगा हुआ है तो मिथिनॉन हो गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे क्या है। ओके, बेंजोफ्यूरॉन, ये देखो मैं कह रहा बेंजोफ्यूरॉन जो बता रहा था मैं, ये रहा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, टू पर ब्यूटाइल है और वन टू और थ्री, टू पर क्या लगा हुआ है, वन टू थ्री एंड फोर, टू पर क्या लगे हुए हैं, ब्यूटाइल और वन बेंजोफ्यूरॉन, वन पे बेंजो यानी कि ओ लगा हुआ है और थ्री पर आई यानी कि तीन से ये जुड़ा हुआ है, खेल खत्म हो गया इसका, क्लियर हो गई बातें। देन आते हैं फोर पर, यानी दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फोर पे क्या लगा हुआ है, एक ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना, तो वन और टू कायदे में इथॉक्सी होगा, लेकिन टू पर भी आगे क्या लगा हुआ है, एक दो डाइमिथाइल अमीन, टू पर क्या लगा हुआ है, डाइमिथाइल अमीनो और फिर ये टू एक दो इथॉक्सी, ठीक है ना, थ्री फाइव डाई आयोडो, दो आयोडीन के ग्रुप लगे हुए हैं, डाई आयोडो, ये क्या बात आती है, फिनाइल मिथिनॉन, मिथिनॉन कीटोन के लिए वन लगाते हैं और ये मिथोन, क्लियर हो गया, नेमिंग बहुत सिंपल है। आगे आते हैं, यूज की बात करें तो यूज देखो वही है बच्चों, अब कर लेना इसमें कुछ नहीं है खास, स्टेबिलिटी वही सारी चीज सेम है, वही सेम कंडीशन है, टैबलेट इंजेक्शन है, और ब्रांड नेम की बात करें तो एमिड्रोम, कार्डरोन और पेसरोन के नाम से है, क्लियर है, चले आगे। ओके, नाउ द लास्ट ड्रग, सोटालोल। सोटालोल की बात करें, इट इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा एडेनोसिन ब्लॉकर है, ठीक है ना, बीटा ब्लॉकर है, इस तरह से नॉन सिलेक्टिव वाला है ये, ठीक है, किसको ब्लॉक करेगा पता नहीं।
यूज लार्जली इन कार्डियक एरिथमिया। ठीक है, अब यहां से देखो अपनी लाइन बना सकते हो कि ये इज अ बीटा ब्लॉकर एंड यूज टू ट्रीट एंटी एरिथमिया, ऐसे लिख दो, सिंपल हो जाएगा। सुडालोर सोल्ड अंदर का ब्रांड नेम बीटा पेज, इसका काफी कॉमन ब्रांड है, क्या नाम है उसका, बीटा पेज। आगे आते हैं, इट इज यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हैं उनको ठीक करने में काम आता है। इट इज टेकन बाय माउथ और इंजेक्शन इनटू अ वेन। ठीक है, केवल उसके मेरे को बताना क्या है, नेम बता देना, बाकी सब तुम लोग कर लोगे। जब ये तो भूल ही गया मैं लिखना ही, अच्छा वो उसको डार्क कर दिया। चलो यहां आते हैं, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखें जरा, ये अमीन है, दिस इज अल्कोहल और ये सल्फो। तो यहां पे मेरे पास जो क्या हो गया, मीथेन सल्फो, ओके। अब यहां पे मेरे पास क्या है, सल्फो। हां, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कौन होता है, सल्फो कार्बोक्सी है ना, ये ट्रेंड रहता है। तो सबसे ऊपर कौन आ गया मेरे पास, ये सल्फो आ गया। यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक है ना, अब जरा गौर से देखते हैं, मीथेन सल्फोन अमाइड, ये मीथेन है एंड SO, जैसे CONH2 होता है वैसे ही इस बार C की जगह पे क्या लग गया है, S लग गया है। तो मीथेन सल्फोन अमाइड, ये रहा मेरा ग्रुप, मीथेन सल्फोन अमाइड NH वाला। क्लियर हो गया, ओके आगे आते हैं। फिर N से कौन लगा हुआ है, इस N पे ग्रुप लगा हुआ है, यहां से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और 4। इसके 4 पर कौन लगा हुआ है, 4 पर बात करेंगे तो 1 और 2। तो 1 पर कौन है, हाइड्रोक्सी है, इसके 1 पर कौन है, हाइड्रोक्सी है। 2 पर कौन है, ठीक है, 2 पर N पे क्या लगा हुआ है, 1, 2 और 3, प्रोपेन 2-I अमीनो। 2 पर कौन लगा हुआ, अमीनो, और अमीनो में भी 2 से कौन लगा हुआ, प्रोपेन 2-I लगा हुआ है। देन इथाइल 1-2 इथाइल एंड देन दिस फिनाइल, और ये नाम क्लियर है। तो पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। यूज, इट इज यूज टू ट्रीट आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, कलरिंग हो गई इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अदर कंडीशन दैट कॉज एन इररेगुलर हार्ट बीट एरिथमिया। ठीक है, कॉमन यूजेस अब लिख लोगे ना, बोलो हाँ, ओके। स्टेबिलिटी डिसऑर्डर सेम है, फॉर्मुलेशन सॉल्यूशन टैबलेट्स के रूप में अवेलेबल है, ब्रांड नेम बीटा पेज एएफ सोरेंस टोटलाइज। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चैप्टर अब तुमको, ये टॉपिक अब तुमको काफी आसान लगेगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है एक बार में, तो एक बार स्टार्टिंग में जाकर स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट एक बार वो और देखें, फिर बस इसमें तुमको क्या है, एक ही ड्रग है जिसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है। यूजेस तो सबके लिख ही ले जाओगे, बाद में सारी जरूरी चीजें हैं, जो बड़ा आसान हो जाएगा लिखना, चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। मैं तुम लोगों को फिर तरीके सिखाऊंगा कि किस तरीके से जनरल वे में जो क्वेश्चन आएगा तो उसको लिखते हुए चलेंगे। अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, जितना मैक्सिमम याद कर सकते हो उतना याद करें, ठीक है ना। स्टार वालों पे पक्का फोकस करें, उनके केमिकल नेम स्ट्रक्चर पक्के से याद करें। बच्चों कह रहे हैं कुछ बच्चे की सर क्वेश्चन करा दीजिए, मैं करवा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। मेरा टारगेट है 15 से पहले तुम लोगों का ये कोर्स जो है खत्म करा दूं, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कोई नया सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मेरे को कमेंट करके पक्का बताएं कि अगला सब्जेक्ट में कौन सा स्टार्ट करूं, ठीक है, जो तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत दे रहा है या तुम लोगों को ज्यादा टफ लग रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। मैं अभी एक पोस्ट भी डाल दूंगा जिसमें तुम लोगों से एक वो करूंगा, मैं वोटिंग करवाऊंगा कि कौन सा अगला सब्जेक्ट तुम लोग चाहते हो जो मैं कराऊं, जो मैं तुम्हारे कोशिश करूंगा एग्जाम आने से पहले वो सब्जेक्ट भी तुम्हारा फिनिश करवा दूं। एक हो जाएगा फिर एक और हो जाएगा, तो एटलीस्ट 2 जो है पूरे हो जाएंगे, कोशिश मेरी ये रहेगी। क्लियर है, तो क्या करना है, केवल पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है और रिवाइज करना है। क्लियर है, ऑल द बेस्ट।